committee members, sare ahdedaran aur jammu sube de bahut hi prominent members sare aaj aaye the saathi kuch saathi nahi aa sake jiyan jan jawab sahab nahi aa sake karan sahi sahab ki tabiyat kharab hui वाइस प्रेसिडेंट करण जमवाल साहब इसलिए बाहर ने ब्रिगेडियर जमवाल बाहर ने प्रोफेसर आर आर शर्मा साढ़े एक्स वाइस चांसलर वाइस शिमला लेकिन असें प्रोग्राम डेट तय कर चुके दे पोस्टपोन नहीं कर सकते। सब तो पहले मैं सारे साथियों का जेडे जगह जगह का चलिए इतने और अपनी गल की है उनका सारे का शुक्रिया अदा करना। साथियों मैं गल तो लंबी करना चाहता लेकिन डिवीजनल कमिश्नर साहब के टेलीफोन आवा दे जो सारा इंतजार करा दे और एडवाइजर भी सुने कि जम्मू आई गए तो अंतिम काम करने की सारी गल जेड़े भी तुमने अच्छे विचार रखे वो अस दोनों तक पाने कामयाब हो गए मुझे उम्मीद है। जम्मू के डुग्गर प्रदेश ने इस रियासत की बनाने आस्तै चलाने आस्तै इसी सांभिए रखने आस्तै जेड़ा योगदान दिते दा जिन्नियां कुर्बानियां दित्ती दियां उहदा कोई मुकाबला नहीं। ते खूबसूरत रियासत जिसी इस धरती दा स्वर्ग आख्या जांदा और इसी हिंदुस्तान दे विच जिल्लै इह रियासत शामिल होई अपने भारतवर्ष दे विच और उहदा इह मुकुट बणिया सामने आई अज तो नक्शा देखो हिंदुस्तान का तो सिर जरा हिंदुस्तान का मुकुट जरा है वो जम्मू कश्मीर और फिर इस रियासत की अद्भुत गल जी सारे समाज के सामने पूरी दुनिया के सामने शायद कुछ और मिसाल नहीं मिलती वो ये है कि ये पहले तो पांच खिते त्रै खिते लद्दाख है कश्मीर है जम्मू है अपनी अपनी संस्कृति है अपना अपना पहरावा है अपनी अपनी भाषा है अपनी अपन ढंग दकल और अपने अपने मौसम त्रै खिते बड़े कमाल दिन की मैं हमेशा गल आखना इन्हें त्रौने खिते का जो गुलदस्ता है त्रै किस्म जो फुल ने यह त्रै हरे भरे और यदा जो इतिहास है वह भी कोई मुकाबला नहीं जरा डोगरा अरबुल था उस वे भी अद्भुत रियासत मुस्लिम मेजारिटी स्टेट और राजा हिंदू और एक परिवार की तरह का इस तरीके कहना रे और जी कोई मिसाल नहीं और जो डोगरा सदसभा के प्लेटफॉर्म पर अज अस चले ये सभा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उस वेले के बजुर्गें कैसा सांझा एक थड़ा बनाया हा कि कदें भी कुछ बुरा वक्त आओग तो डोगरे कट्ठे होइए बिला लिहाज मजहब मिलत बिला लिहाज अपनी भाषा और संस्कृति इकट्ठे होइए बेहिए मिलिए इस भाईचारे के प्लेटफॉर्म के उपर अपनी गल करना। साथियों आज जो वक्त है जदों जदों भी इस रियासत के उपर काले बादल मंडराने लगे तो डोगरा सदर सभा के मैदान च आने पिया और आनिया ने इस रियासत की संभालना पिया। आज कोई अच्छी शक्ल नहीं है पूरी रियासत की जिस रियासत वास्ते साढ़े बुजुर्गें जाना दतिया जिस भाईचारे वास्ते ऐसी मिसाल पैदा की जी कोई दूसरी एग्जाम्पल नहीं मिलती उस उपर अज काले बादल मंडरा दे साजिशा वादियां आज कश्मीर जरा खूबसूरत अंग हा साढ़े पूरे भारतवर्ष का साढ़े जम्मू कश्मीर का अज वो खतरे च है घर घर इस वे मातम शायद है कोई घर नहीं जिला घर आया कोई ना कोई मरिया नहीं हो कोई ना कोई पाकिस्तान की साजिश नहीं आया हो कोई ना कोई सिक्योरिटी फोर्स के लोग नहीं मरे हो यानी एक ऐसा जिसी स्वर्ग आदि अज नरक बकाने बनाने आते कोई किसा किस्म की कसर नहीं रखी बेईमाने और अस उसी संभाल नहीं सका। दूसरी तरफ जम्मू खिता जिसका जिथे अं खड़ा जो तो सारे बैठे दे अज जानिया ये जगह चुनी ही अस आपके अंदर भी बेही सकते अस जगह चुनी ही क्योंकि मुझे पता है जिसलै बड़े हालात इतने खराब हो जिसलै एक बार सुनेह याद हा कि हिंदू मुस्लिम दुश्मन बनी गए एक दूए के इतने कोई नीच और
अब वही का हाई कास्ट की गल की जाती है, इतने कोई छोटे बड़े की गल होती है। उस वेले असें याद किया इस जम्मू खिते की कहानी की, जल्द जामू लोचन से शिकार खेलते आए और इतने आनी उन्हें देखा इतने तला के उपर एक घाट के उपर एक जगह कट्ठे एक बकरी के शेर पानी पिया दे। तो उस उन्हें आख्या कि ये को पवित्र जगह और कोई नहीं हो सकती, इतने शेर और बकरी कट्ठे पानी पिया दे। इस वास्ते इतने इन्हें कदरें के उपर एक जगह बननी चाहिए है, तो जम्मू शहर और जम्मू खिता इतों चलिया। और यदी इबी मिसाल कोई दूई नहीं मिलती है, ये पहाड़ी थी जिथे जामू बसया। और ठीक है आख्या खजूरिया साहब ने कि जामू का बढ़ते बिड़ते ना का जम्मू बनया, ये वो स्थान है। असें फिर उस दिन करोड़ यात्रु इतने आवाज हा माता ने दर्शन करने, कहीं को कुतै शाहगरा शरीफ कुतै बाबा अमरनाथ जाने, तो इतों सुनेहा लेकर जा रहे महाराज उत्थे बड़े फसाद हो रहे दुख जुलम दे, उत्थे बड़ा काम खराब हो। उस वेले असें गवर्नर साहब के वी कृष्णा राव जनरल के वी कृष्णा राव गवर्नर थे उनके को गए कि आज जम्मू का असली संदेश देने की जरूरत है। जो करोड़ लोग आ रहे हैं उनको जरा याद करने दो जम्मू किस किन कदरों पर बना है। तो वो आखन लगे क्या करना चाहिए, असें आख्या पत्ती की तारीख जिंदा करो, जामू लोचन आओ बोतल गाचे, आओ उगे सीन इतने बनाचे शेर बकरी कट्ठे पानी पिया दे, और उनकी कहानी लिखचे कि किने कदरे पे जम्मू बनया हाँ। तो लोग बाहर आगन कि आफरीन जम्मू है, आफरीन सुधा भाईचार है कि कितना तूफान मचे पंजाब च फसाद होए, इतने चिंगारियां पईयां अग दियां लेकिन उसी अग की बड़ा रूप नहीं लैन दिता। कश्मीर के बच्चे हालत खराब हुए, इतने माइग्रेशन हुई, असें भाईचारे इतने तो कोई ठेस नहीं पुजन दिती, उस एसेंजे दे आए। और इस वास्ते उस वेले असें चुकियै बुत बनाइए इतने लिया, इे शेर बकरी का इे सीन जरा ये असें डोगरा सदर सभा ने यह तैयार करिए सुनेहा दिता हा कि नहीं आओ तुम तो आओ, साड़िया जड़ा देखो, साड़िया रूट्स देखो, साड़ी बैकग्राउंड देखो, क्या किन्ने एक दूए प्यार करने वाले लोग हाँ। अज इस वास्ते तुसें कि इतने धरना देने पिया इस जामू लोचन जी के सामने जिन्हें यह शहर बसाया हा। अस उन्हें आखिया कि अब थोड़े जा नशीन हाँ, और अज जी साढ़े केंद्र में जमाबारी है उसी अब नवाना चाहते हैं, किन्ने कामयाब होने वो साढ़े हाथ नहीं, लेकिन किन्नी मेहनत करी सकने वो साढ़े हाथ है, वो अस करिए। इस वास्ते धरना दिता साथियों, हर एक गल के पिछले कोई ना कोई बैकग्राउंड है। जेडे मसले ले अज हमने भी सुनेहा आया दिवकाम साहब का कि एडवाइजर साहब पुजे जम्मू, अस शुक्र है अस आखने कि गवर्नर साहब भी जरा कष्ट कर उस ठंडी हवा छोड़िए इतने आन दिख, क्योंकि हकूमत करना कोई इं नहीं होंगे। असें कहानियां पढ़ी दी महाराज हरी सिंह का भाषण अभी भी चेता आता है, वो जल आ गए कि मेरी प्यारी रियाया, मेरा अपना कोई धर्म नहीं, मेरी अपनी कोई जाति नहीं, जिहड़ी तुहाड़ा सारे धर्म है वो मेरा धर्म है, जिहड़ी तुहाड़ी सारी जातियां वो मेरी जात है। इस किस्म का यह सुनेहा साढ़े हुक्मरान की होना चाहिए, उन्हें इं आखना चाहिए। साथियों अज ये साढ़ा काम डोगरा सदर सभा का काम डोगरें दी धरोहर तो डोगरें दी विरासत, डोगरें दी तारीख, डोगरें दी कुर्बानियां, ये सारे डोगरें दी रिफॉर्म्स, ये सारिया गल्लां करने की जरूरत थी, लेकिन ये असें इस वास्ते करना पवा दा कि अज सारे पास दा जम्मू सूबे चा कोई ना कोई कहानियां सुन लईयां, अपने अपने दर्दनाक कहानियां सब को टाइम नहीं है, इतने सारे जिन्हें बुद्धिजीवी बैठे ने अपने अपने इलाके की कहानी सुनाना चाहते, वो साढ़े को स्नेह पुछा रहे कि इतने हो गया। डोगरा सदर सभा ने संघर्ष किया, डोगरी भाषा की अठवें शड्यूल शामिल कराइए फिर दिल्ली का धरना चुकया। डोगरा सदर सभा ने अज जिन्हें बुत लगा दे जिन्हें सारे जम्मू के बिच इस वास्ते कि साढ़े वास्ते प्रेरणा का स्रोत बन, असें इंटे को इंस्पिरेशन मिले कि देशभक्ति किसी आखते हैं, देश वास्ते कुर्बानी क्या देनी होंगी है, ये चीज़ा कराई हाँ डोगरा सदर सभा ने। अज मेरे को टाइम नहीं इन्ना कहीं कि नाम है, अब धरोहर मुबारक मंडी कोई एक कौम की एक जाति की मुबारक मंडी नहीं, वो धरोहर है, वो हैरीटेज है, जरा अज अगर वो बनी जा चहल पहल शुरू हो जा
करोड़ यात्रु उत्थे आउंदा, 2 करोड़ उत्थे आवे, और जम्मू दे विच जम्मू सुन्ना उगले पूरा। अज माता वैष्णो देवी श्राइन एक चला दी है, मैं दिखना उत्थे जाना, मैं उत्थे कुसा जाति दा कुसा धर्म दा होवे। मैंने पहाड़ें च गया, पादी यात्रा आई, लंघ बीमार बमार नगोत वगैरह, इन्होंने पुछता भी तुहाड़ा कारोबार की है, कियां रोटी खांदे हो? और जिसी पुछा चाहे मुस्लिम था चाहे हिंदू था सिख था ईसाई था, मैं क्यों थोड़े को फसलां भी नहीं इतने होंगे, नौकरियां भी नहीं हैं, तो कि रुटी खा रहे हो? अल मैंने घोड़ू रखे दा एक बड़े जन्ने माता दे शाम बेले आने, अस 50-60 हज़ार रुपया महीने का कमाई लैने। यानी अंदाजा लगाओ कि अज एक श्राइन की वजह कन्नै माता वैष्णो की कृपा कन्नै पूरे समाज खाना खा दा, रोटी खा दा उस इलाके का। अज अगर ये मुबारक मंदी पैलेस से चली पौन, ये धरोहर सही सामने आई जा, आज दुनिया भर के स्कॉलर 8 लाख फाइल है, जिसे PhD करने वाले स्कॉलर आते हैं रिसर्च करते हैं, वो बंद पे दी। आज वो निशानियाँ जड़ियाँ ठीक आखे जो गंभीर ने आख्या कि सर कई नहीं दिखी दी, जी नज़र मारो देखो कि खजाना तुम्हारे को, लेकिन एक साजिश का कैद बन पे 8 लाख फाइल तबाह हो। इस तरीके जड़ियाँ इतने बाकी गल आई फसल, मिगी याद है फखे कन्ने में पवित्र स्थान का थोड़ा सामने आखा ना, तुम्हें भी याद होना, मैं कैबिनेट के बीच था, कैबिनेट मिनिस्टर था, रामगढ़ अग लगी फसल की कणक फकोई, मैं उतू, मैं आख्या मैं अज असैम्बली च नहीं बोना, मैं सीधा इतने आया, सीधा रामगढ़ पुजिया, जिनी फसल उत्थे अग लगी दी डिप्टी कमिश्नर आख्या सारी पूरी असैसमेंट करो, लिस्ट बनाओ। और साथियों आज भी रामगढ़ जी पुछो एक तीला जिंदा चले रहा, मैं उस उठा जो सारी मुआवजा दिता कि जिनी फसल ने पूछा कि अगर 10 कनाल थोड़ी कणक फकोई है किनी कणक निकलनी, उन्हें आख्या इन्नी निकलनी, इन्ने पैसे उसी दवाए स्पेशल आर्डर करवाए उस वेले। अज की गल है, इन्हें ये नहीं कर सकते, अज कुछ गए सियासतदान, पूरी अग्गा लगी दी सारी कणक तबाह हो गई, अज असैसमेंट बड़ी होवा दी, अज चाहिए है इन्हें सियासतदान की। मैं पढ़ता रहना अखबार जाए फलाने मिले क्या उनकी जली दी, उन्हें लगता नहीं कि कियां रोटी खाने लोग, जिन्हें जिदा भी नहीं वापस आया, जिन्हें इन्नी मेहनत की, इन्नी फसल उगाई और फर्स्ट क्लास फसल हुई, अज तबाह हो गई, अज लगता नहीं उन्हें। इस वास्ते असें डोगरा सदर साहब ने इशू बलगी बलगिए चुकने पाया। मिगी याद है रघवीर सिंह होर इत्थे बैठे दे, इनके साथी बार्डर बैठे दे, एन पे ही बार्डर पर, और आखने चाहिए नाराज नहीं होन, इन्हें मैं ठोल लिया जाइए। 4 बजे मैंने खेतर से पूछे था कि भाई कितना नुकसान होया, और गवर्नर की आखी उसने भी गवर्नर रूल हा, गवर्नर गोरा थे, आखी है स्पेशल, ये राजू और बैठे थे, नंबरदार चूनी और बैठे थे, स्पेशल गदौरियाँ कराई है और आज कराई है गवर्नर को, तो उनका मुआवजा असें लिया, ठीक है बात साजिश हो। इस तरीके कन्नै अज कुछ अज अस इसे आस्तै नारे मार जा रहे सारे साथी कि सियासतदानों होश में आओ, होश में आओ, कुछ छप्पी रहे हो, उसलै गै आना तुसें जेल्लै इलैक्शन होग, उसलै गै आना जेल्लै तुसें उन्हें शाह बनना ही आना, जां दवाइयां नशीलियां बनना ही आना, ते इलैक्शन जित्तना ही आना। इस वास्ते अज बड़ा भारी गंभीर समय है, गंभीर वक्त चला दा इस जम्मू सूबे दे उप्पर, और जम्मू सूबे दे उप्पर नहीं सिर्फ, ठीक है आखिया इत्थे धर्मचंद होने, अज अगर रामबन की गल करने सड़क की, अज टूरिस्ट तड़फा दा, इन्हें गर्मी जो छुट्टियां होने वाली, बच्चे आना चाहते जम्मू कश्मीर का नाम सुनिए, लेकिन पत्नीटाप नहीं पजाना, रामबन के उन्हें इलाके च जिते उन्हें कोई दिखने नहीं मिलता उत्थे नहीं पजाना। अज भद्रवाह कर्फ्यू हूने लगना शुरू हो गया, ये साजिश है। साथियों मैं तुम्हें दसा कि धर्म आखदा है कि तुम दुए का गला कट्टिए तो अपना धर्म चलाओ, ये कि धर्म है? ये कोई धर्म नहीं है, ये घोर पाप है। और इस वास्ते तुस अगर धार्मिक बुक्स नहीं पढ़ी दी देखने की कोशिश करो, हर धर्म यह आखदा है कि सब तू अगर बड़ा धर्म इंसान का है वो इंसानियत है, जो इंसानियत के खिलाफ करता है वो जिंदा कोई बेधर्मी नहीं हो सकता, वो अधर्मी नहीं हो सकता। इस वास्ते ये साजिशन कि वह टूरिस्ट उधर नहीं जा, उन्हें इलाके नहीं जा, अच्छे बच्चे के नेड़े खलवाड़ हो जो धर्मचंद होने बाकी
साढ़े लोन साहब ने साढ़े सरपंच साहब ने गल की है कि जिस तरीके होआ दा उंदे कन्नै यह हाल होआ दा कि सियासतदान नहीं लब्भा दा उत्थे लोग नहीं हैं जिहड़े सियासत करा दे हुण इन्ना नया फर्ज बनता गवर्नर कोल बेहिए सारे कोल बेहिए गल करना तो क्यों होगा फोर लेनिंग सड़क जी है मिगी पता मैं पी डब्ल्यू मिनिस्टर देगा किन्नी एस्केलेशन होंगी है ये साजिश है हर साल पैसे बढ़ाई है पैसे खाने की और वो पैसे कियां खाए जा रहे हैं और इतने बड़ी शानदार गल आखी है कुदर गए साढ़े सरपंच साहब हो लोन साहब अज उन्हें बड़ी शानदार गल आखी है अज बड़ी शानदार गल आखी है उन्हें कि जेड़ी रोज जिले टनल नहीं बनी दी उसने भी सड़क इन्नी बंद नहीं होंगी अज रोज सड़क बंद हुआ दी और रोज उसे लैंडस्लाइड हुआ था क्योंकि पूरे पहाड़ अंदर खाली किए गए कोई स्कीम के तहत प्लानिंग के तहत वो नहीं हुआ था जी वजह कहना उसकी सड़क बंद हुआ तो इस वास्ते ये सारिया मांगा दोहर है फसल ये सारे पंचायतें इलेक्शन ये ठीक आख्या रणवीर सिंह ने बड़ी पते की गल आखी है कि पंचायत इलेक्शन के बाद सेंट्रल गौरमेंट को फंड मिलने हैं और ले ले इन्हें इलेक्शन कराई है पर पंचायतें पावान देती हैं ताकि लोगों को खर्च हो इस वास्ते सारिया गलों चाहे नंबरदार चौकीदार दिन गल सारे इशूज मैं लिखे दे अज कोई रही हो बोलने के ये दसने सब असें लिखे दे डिवीजनल कमिश्नर साहब का मैसेज आई है असें हम उनके को जाना है मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करें कि पहले असं इस डोगरा सदर सभा चलना है जरूरत नहीं उन्हें चलना है दिव काम है और उत्थे जी सुखदेव सिंह ने भी गल की है अखनूर की गल की है खौड़े की गल की है और सड़क की गल की है वो भी गल् जी उसे करके मैं थोड़ा धन्यवाद करना और उन्होंने थोड़ी जी अगर कोई है तो वो कट्ठे होंगन ये डोगरा सदर सभा प्लेटफॉर्म कोई मेरा कले का या थोड़ा नहीं है ये सारे का साझा है आन उत्थे कट्ठे बहन और कट्ठे देखिए एक मजबूत आवाज देते हैं ताकि जम्मू बची जाए बहुत बहुत